केंदुझार जिले में पेयजल संकट के चलते महिलाओं ने रोड बंद कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि केंदुझार जिले के नायकोट गांव में 1300 लोगों की आबादी के बीच पीने के पानी के लिए पीएचडी वाटर पाइपलाइन और हैंडपंप 3 महीने से खराब पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोग बूंद बूंद को पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले से लेकर कलेक्टर और जलदाय विभाग के अधिकारियों को खराब पड़े हैंडपंप और पीएचडी वाटर पाइप को ठीक कराने की मांग लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण आज गाँव की महिलाओं ने सुआकटी से डुबना रोड बंद किया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द पानी का पाइप और हैंडपंप ठीक किया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। हैंडपंप और पानी का पाइप खराब होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंदुझार जिले का मामला सामने आया है, जहां पर पेयजल संकट के चलते महिलाओं ने रोड बंद करके प्रदर्शन किया। बता दें कि केंदुझार जिले के नायकुट गांव में लगभग 1300 लोगों की आबादी है। इस बीच पानी पीने के लिए और पीएचडी वाटर पाइप और हैंडपंप 3 महीने से खराब पड़ा हुआ है। गांव के लोग बूंद बूंद पानी को इस दौरान तरस रहे हैं। लोगों को काफी परेशानी इस दौरान हो रही है, जिसे लेकर कलेक्टर और जलदाय विभाग के अधिकारियों को खराब पड़े हैंडपंप और पीएचडी वाटर पाइप को ठीक कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण आज गांव की महिलाओं ने सुआकटी से दुबना रोड बंद किया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द पानी का पाइप और हैंडपंप ठीक किया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। दो तीन महीना हो गया, इतना गर्मी चल रहा है, अभी पानी पीने फिर भी काम नहीं हो रहा है। लोग देखिए, जहां भी देखिए, हम जगह बोल चुके हैं, फिर भी ये काम नहीं हो रहा है। इसलिए रोड